भाई मोबाइल पीछे करो भाई। अनंग चौरसिया, महानगर उपाध्यक्ष, विश्व वैदिक सनातन संघ। अनंग की बात किया जाए तो आज किस तरीके से आप लोगों द्वारा यह किया गया है? स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि समाजवादी पार्टी के बड़बोले नेता हैं और समाजवादी पार्टी से ही वो विधान परिषद सदस्य भी हैं। विधान परिषद सदस्य जैसे गरिमापूर्ण पद पर बैठने के बावजूद वो दिमागी रूप से दिवालिया हो चुके हैं। पहले वो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते थे। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने रामचरितमानस पर विवादास्पद बयान दिया और अब वो केदारनाथ बद्रीनाथ जैसे प्राचीन हिंदू मंदिरों को बौद्ध मंदिर तोड़कर बनाया गया बता रहे हैं, जबकि यह उनकी बुद्धिहीनता है। सारी दुनिया जानती है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर बौद्ध धर्म की स्थापना के पहले का बना हुआ है और वो हिंदू और बौद्धों में खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उसी राज्य के जिस राज्य में बद्रीनाथ केदारनाथ है उसी राज्य उत्तराखंड की अखिलेश यादव जी की पत्नी है। अगर उन्हें जानकारी न हो तो अखिलेश यादव जी की पत्नी से पूछ लो कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर बौद्ध मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था या पहले से ही हिंदू मंदिर था। तो आज आप लोगों ने यज्ञ किया, क्या मांगा है? क्या यज्ञ का उद्देश्य था कि बड़बोले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को इस पर सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे वो अनर्गल प्रलाप बंद करें, हिंदू धर्म के खिलाफ वो जो लगातार भाषण दे रहे हैं उसे बंद करें और गंदी राजनीति न करें। चले, मैं प्रिंस केसी, महानगर अध्यक्ष, विश्व वैदिक सनातन संघ। प्रिंस जी, आज किस तरीके का आप लोगों द्वारा यज्ञ किया गया है? आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि लगातार विवादित बयानों से हिंदू सनातन धर्म के प्रति चोट पहुंचाने का कार्य सदैव से करने चले आ रहे हैं, उनके सद्बुद्धि के लिए एवं बुद्धि सिद्धि के लिए आज हम सभी विश्व वैदिक सनातन संघ के पदाधिकारीगण यज्ञ का आयोजन किया, ताकि उन्हें बाबा आदि विश्वेश्वर एवं माँ सरस्वती सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे कि वो सत्य का ज्ञान कर सके, देख सके और समझ सके। बात किया जाए तो लगातार उन्होंने कहा है कि हर मंदिरों का बुद्ध मंदिर था, उसको लेकर क्या कर रहे हैं? इसमें भी जिस प्रकार उन्होंने हमारे तीर्थ स्थल बद्रीनाथ जी के धाम के लिए विवादित बयान दिया, उस विषय में मैं एक कुछ चंद शब्दों में यह कहना चाहूँगा, जिस पार्टी के वो नेता हैं उसी पार्टी के सर्वोच्च माननीय अखिलेश यादव जी की धर्म पत्नी डिंपल यादव जी उसी प्रदेश की निवासी और प्रदेश के एक एक इतिहास से वाकिफ भी हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सबसे पहले तो थोड़ी बहुत ज्ञान उन्हीं से ले लेनी चाहिए थी, काश ले ली होते तो ऐसा बयान ले लिए होते। तो आज आप लोगों ने द्वारा यज्ञ किया, उसके बाद क्या किस तरीके का? एक तो उन्होंने उनकी सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया, इसी के साथ इसके पश्चात हम लोग कार्यक्रम और करने वाले हैं, जो कि जैसा कि आप जानते हैं कल 3 अगस्त हाईकोर्ट द्वारा ASI सर्वे पे फैसला आने वाला है और हम सभी को पूर्ण विश्वास भी है कि यह फैसला हिंदू धर्म पक्ष के लिए हो रहा है और अवश्य आएगा। इसके लिए भी आज हम सभी पदाधिकारीगण बाबा महादेव जी की मंदिर, जो हमारे क्षेत्र की प्राचीन मंदिर है, इस पर हम अभी सभी लोग जाके साथ में जाके जलाभिषेक करेंगे, प्रार्थना करेंगे और अर्चना कर पूर्ण रूप से कामना करेंगे कि कल की फैसला हमारे हक में ही आए।